गुजरात के विकास पर बहुत सारे टिप्पणियां कर चुके हैं, मैं अपने बहुत से वीडियो बना चुकी हूँ डिमोनेटाइजेशन जीएसटी पर, जो वो अभी तक एक साल से डिमोनेटाइजेशन पर रो रहे हैं या जीएसटी की बातें कर रहे हैं वो, या लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे, गलत बात कर गलत आंकड़े देकर, वो सब उस चीज पर मैं बोल चुकी हूँ। लेकिन अपनी चुनावी रैली में उन्होंने मोदी जी पर कुछ पर्सनल अटैक किए हैं। एक गुजराती होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि कोई बाहर का इंसान आकर अगर एक गुजराती की अस्मिता को चैलेंज करता है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं जो सत्य है वो आपके सामने रखूं। आज के अपने इस वीडियो को मैं पहले हाफ में ये बताऊंगी कि जो जो उन्होंने आरोप लगे हैं उसका वो बेसलेस है और उसकी जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आपके सामने रखूंगी, और दूसरे हाफ में जो ये राहुल गांधी अभी नए नए जनोईधारी बनकर घूम रहे और उनको लगता है कि ऐसा करके वो वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे, तो और सोमनाथ टेम्पल की जो भी कॉन्ट्रोवर्सी थी या जो भी था अभी जो वो बहुत हिंदू बने हुए घूम रहे, तो मैं वो सारी बातें अपने सेकेंड हाफ में लूंगी। दोस्तों, राहुल गांधी द्वारा पहला आरोप लगाया राफेल डील को लेकर। राहुल गांधी ने राफेल डील के बारे में गुजरात में ये प्रचार किया अपनी चुनावी रैली के दौरान और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी गलत बात और गलत आंकड़े देकर। राहुल गांधी ने कहा कि राफेल डील में मोदी जी ने घोटाले किए हैं, राफेल डील बहुत महंगी हुई है, कांग्रेस के वक्त ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रही थी, और तीसरी बात इन्होंने इसमें ये कही कि इसमें उन्होंने एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से इसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपने कोई निजी उद्योगपति जो उनके फेवरेट है उनको दिया है। तो मैं राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर आप इतने श्योर है कि कांग्रेस के वक्त रैफल डील बहुत अच्छी मिल रही थी तो आपने ये डील क्रैक क्यों नहीं की। 2004 से 2014 तक आप लोग थे, आप लोगों को एयरफोर्स की क्रिटिकल नीड की भी पता थी बात, लेकिन ना तो आप तब ये बात कर पाए, ना तब आप ये काम कर पाए, और अब जब ये हुआ है तो भी आपको इसमें तकलीफ है। आप ना तो तब ये एयरफोर्स की नीड समझ सके थे क्रिटिकल, और ना ही अब आपको देश की सुरक्षा से कुछ लेना देना है। दूसरी बात दोस्तों, इन लोगों ने ये जो 10 साल निकाल दिए इस डिसीजन को लेने में, मोदी जी के पास वक्त ही नहीं रहा। जब वो 2014 में आए, उन्होंने देखा कि एयरफोर्स की अपनी क्रिटिकल नीड है और जिसको और हमारा इंटरनल जो डोकलाम वाला हुआ, और उसके बाद ऐसा लगा कि अब इसमें डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो मोदी जी ने ये 36 फाइटर जेट्स, जो ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त काफी रीजनेबल प्राइस में मिल रहे थे, तो कांग्रेस के वक्त कांग्रेस नेगोशिएट कर रही थी सिर्फ राफेल पे। मोदी जी ने राफेल के साथ उसमें सारी हाईटेक टेक्नोलॉजी वेपन्स जो भी चाहिए, वॉर वेपन्स जो भी है वो, और उसकी सारी जो लेटेस्ट सारी टेक्नोलॉजी आई है उसके साथ इनबिल्ट ये 36 फाइटर जेट्स फाइनल किए हैं, जो फ्रांस से सीधे कंप्लीट रेडी होके इंडिया आएंगे। अब ये बात कर रहे हैं कि इसमें कोई घोटाले किए, तो मैं राहुल गांधी को कह दूं कि ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुई है। गवर्नमेंट डील का मतलब शायद आपको पता होगा, बॉफर्स की तरह किसी प्राइवेट कंपनी के साथ डील नहीं किए, तो इसमें घोटालों के कहीं से कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात आपने ये की कि एचएएल से लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट अपने किसी निजी फेवरेट उद्योगपति को दे दिया, तो एचएएल वॉज तो नेवर इन पिक्चर, और मोर ओवर अभी तक ये 2019 में तैयार होकर आएंगे, अभी कोई ऑफसेट पार्टनर इंडिया में डिसाइड ही नहीं हुआ है, और अगर डिसाइड करना भी होगा तो ये फ्रांस की टीम करेगी, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो पैरामीटर्स है, उसके अकॉर्डिंग उनको इंडिया में किसको ऑफसेट पार्टनर बनाना उचित लगता है वो पूरा एक प्रक्रिया जाएगी। और अगर आप इतने ही एचएएल की तरफ से बोल रहे हैं तो एचएएल अब तक सामने क्यों नहीं आया, क्यों नहीं उन्होंने ये बात रखी। कॉन्ट्रैक्ट तो ना तो दिया है उनको और लेना तो बहुत दूर की बात रही, तो आप है ना ये लोगों को भ्रमित करने की कोशिश यहाँ पे मत करिए, अपनी तरह दूसरों को मूर्ख समझने की कोशिश मत करिए। अब राहुल गांधी का दूसरा आरोप मैं लेती हूँ। उन्होंने अपनी चुनावी रैली में दूसरा आरोप ये लगाया कि मोदी जी ने मुंद्रा में अपने एक फेवरेट उद्योगपति को 45,000 करोड़ एकड़ जमीन 1 रुपए मीटर के हिसाब से दे दी। अब है ना राहुल जी को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज आप अपने दिमाग पर इतना लोड मत दो और अपनी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों से हमारे दिमाग को भी टॉर्चर मत करो। थोड़ी सी मैथमेटिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए। 45,000 करोड़ एकड़ मुंद्रा में एक उद्योगपति को देते हैं। देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में कि वो कह रहे हैं कि 45,000 करोड़ एकड़ जगह उन्होंने दे दी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी मैथ्स की कैलकुलेशन करना चाहूंगी। एरिया ऑफ अर्थ इन एकर है 126 बिलियन एकर, ठीक है। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, 100 करोड़ इज इक्वल टू 1,000 मिलियन और 1 बिलियन, और उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते तो एरिया ऑफ द अर्थ निकलेगा 12,600 करोड़ एकड़, ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 45,000 करोड़ एकड़ दे दी, मतलब कि पृथ्वी से 3 गुना 3.5 गुना हिस्सा उन्होंने मुद्रा में दे दिया। तो राहुल गांधी जी
मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जब आप ऐसा कुछ बोले आंकड़ों वाली बात, तो एटलीस्ट क्रॉस चेक कर लीजिए या थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। आप है ना, आप जो मतलब आपके कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में जो फॉरवर्डेड मैसेज घूमते हैं ना, वो आप है ना या तो सीधे आके मंच पे पढ़ लेते हो बिना क्रॉस चेक किए, और फिर कहते हो कि लोग आपको पप्पू कहते हैं। और अब तो इलेक्शन तक कोई आपको पप्पू नहीं कहेगा, लेकिन आप हरकतें ऐसी करते हो कि लोगों को मजबूर होकर आपको पप्पू कहना पड़ता है। क्या मतलब आप करते हो, कहां से ऐसे आंकड़े लाते हो, कौन आपकी स्क्रिप्ट लिखता है? अब तीसरी बात राहुल ने अपनी चुनावी रैली में ये कही कि मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर देश के 10 उद्योगपति की 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की लोन माफ कर दी। अब इसमें मैं आपके सामने तथ्य और आंकड़े रखती हूँ कि उनकी लोन बैंक ने रिटर्न ऑफ की है। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि जो बैंक की अकाउंट बुक्स है उसमें वो जो अमाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग बुक्स में वो उसको अलग से शो किया गया है, उसकी एक अलग से रिकवरी टीम होती है जिसकी रिकवरी प्रोसेस चलती है। मोदी जी ने एक भी पैसा किसी भी कॉरपोरेट कंपनी का माफ नहीं किया है, तो यहाँ पे भी ये भ्रम फैला रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि वो किसकी और इशारा कर रहे हैं, मैं नाम ले लेती हूँ इसमें, वो विजय माल्या की बात कर रहे हैं। तो मैं इनको बता दूं कि विजय माल्या को लोन किसने दी थी, 2004 में विजय माल्या को लोन दी गई, 2008 में उनकी लोन रिन्यू हुई, 2009 में उनकी लोन को पता चला कि ये नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट है विजय माल्या का, फिर भी उनकी लोन को रिस्ट्रक्चर किया गया, वो भी एडिशनल फैसिलिटीज के साथ। बीजेपी गवर्नमेंट वॉज नॉट इन पावर, वो सब जानते हैं उस वक्त। तो ये जो मैंने आपको डेट्स दी, ये अपने आप में एक कहानी बता रही है। लोन को, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स की लोन को रिस्ट्रक्चर किया गया, वो लोन किसने रिस्ट्रक्चर की, किसने एडिशनल फैसिलिटी दी, वो भी एक जांच का विषय है। और सीबीआई इसकी जांच भी कर रही है, लेकिन रिकवरी अपनी जगह हो रही है, बैंक अपनी प्रोसेस कर रही है, फाइनेंशियल उनके जो भी फोरम है या सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस गया है 2015 में, माल्या की लाइबिलिटीज विथ इंटरेस्ट कुछ 9,000 करोड़ के आसपास की, तो वो पूरी प्रोसेस चल रही है। और माल्या की एसेट्स भी सारी की सारी जब्त कर ली गई है। तो इसमें भी है ना, आप ये जो लोगों को भ्रमित कर रहे हो वो भी सरासर गलत है। राहुल गांधी का चौथा आरोप यह है कि मोदी जी ने गुजरात में टाटा को नैनो प्लांट के लिए 33,000 करोड़ की लोन दी। तो मैं इसमें भी राहुल गांधी जी को उनकी इस बात का जवाब दे देना चाहती हूँ कि लोन 33,000 करोड़ की नहीं थी, लोन 456 करोड़ की थी। तो यहाँ पे भी आप गलत आंकड़े देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि वो 33,000 करोड़ की लोन दी और वो नैनो चली नहीं और यहाँ पे बंद कर दिया वो। तो मैं आपको बता दूं कि टाटा प्लांट बंद नहीं हुआ है गुजरात में। टाटा का एक सेक्शन आपको कंपनी और उसका जो एक प्रोडक्ट है या उसका एक सेक्शन है या उसकी एक ब्रांड है, उसका भी डिफरेंस नहीं पता है। टाटा की फोर व्हीलर कंटिन्यू है, टाटा के ट्रक कंटिन्यू है, नैनो उसका जो एक सेक्शन है वो सेक्शन बंद करा है। मतलब कौन सा मॉडल डिसकंटिन्यू करना है, कौन सा नया मॉडल लॉन्च करना है, क्या उसके लिए भी टाटा को गांधी परिवार की अप्रूवल लेनी पड़ेगी? बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने पुराने मॉडल डिसकंटिन्यू कर मार्केट में नए मॉडल लॉन्च करती है। और आपने जो ये 33,000 करोड़ की बात करी है, तो मैं आपको बता दूं कि 456 करोड़ की लोन थी और वो लोन भी चुका दी गई है। उसके मैं बाइफोकेशन भी देती हूं दोस्तों। 167.20 करोड़ वॉज पेड इन 2012 एंड 2013, 252.34 करोड़ वॉज पेड इन 2013 एंड 2014, एंड 37.25 वॉज पेड इन 2014 एंड 2015। और टाटा ने तो इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। रतन टाटा ने बोल दिया है कि हम लोगों ने बैंक से लोन ली थी, कोई खैरात नहीं ली थी, कोई भीख नहीं ली थी, इंटरेस्ट के साथ चुकाई गई है। तो आप है ना, अपनी ये बकवास अपने पास में रखो। पांचवा आरोप दोस्तों अपनी चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी जी पर ये लगाया कि मोदी जी गुजरात में रोजगार ही नहीं दे पाए। तो मैं यहाँ पे भी राहुल गांधी के थोड़े से फैक्ट्स क्लियर करना चाहूंगी। मैं राहुल गांधी को याद दिला दूं कि गुजरात रिकॉर्डेड द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। इनफैक्ट यूपीए सरकार ने खुद गुजरात सरकार को टॉप जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का अवार्ड भी दिया था। और पिछले हफ्ते जो एबीपी न्यूज का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें संबित पात्रा जी ने कांग्रेस की स्पोक पर्सन को उस अवार्ड की एक कॉपी भी फ्रेम करवा के गिफ्ट की है। तो आप थोड़ा सा अपने स्पोक पर्सन के साथ में क्रॉस चेक कर लीजिए कुछ भी बेबुनियाद बातें रखने से पहले। ये तो बात मैंने करी कि उन्होंने जो भी निजी आरोप लगाए थे सारे बेबुनियाद, वो सारे बेसलेस बातों के मैंने आपके सामने प्रमाण रखे। अब बात करते हैं राहुल गांधी जो ये गुजरात में इलेक्शन के वक्त जो नए नए जनोई धारी बने और उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है और क्योंकि गुजरात में 89.9% हिंदू है तो वो ऐसा कर वोटों का ध्रुवीकरण कर लेंगे, तो ये तो सबसे पहले आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं आपको बता दूं कि ये गुजरात की जनता है,
हर चीज का हिसाब रखती है क्योंकि हम पक्के व्यापारी और हिसाब के बड़े हम पक्के होते हैं। हमको अच्छे से याद है जब आप सोमनाथ टेम्पल गए थे और आप ये कह रहे थे कि आपकी जो दादी जी है वो शिव भक्त है, बहुत अच्छी बात है, आप भी शिव भक्त हो ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपकी दादी जी के जो पिताजी थे उन्होंने सोमनाथ टेम्पल दोबारा निर्माण ना हो उसमें हर एक मुमकिन कोशिश करी, इतने अडंगे डाले कि सोमनाथ टेम्पल वापस ना बने। वो चिट्ठियां आज भी मौजूद है, जाके आप पढ़ लीजिएगा कि जिसमें नेहरू जी ने आपकी दादी को चिट्ठी लिखी थी सोमनाथ टेम्पल रिबिल्ट ना होने के लिए। तो ये तो पहली बात ये कि यहाँ पे आप जो ये कर रहे हो ना हमें सब अच्छे से पता है। दूसरा, आप जो ये नया नया जनोई पहनकर शर्ट के ऊपर जनोई पहनकर अपने आप को जो आप ऑलरेडी सेक्युलर हो और ये जो सेक्युलर शब्द है ना आपकी नाना आपकी दादी ने और उनके पिताजी ने हमारी रगों में घुसा दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लॉ में, आप खुद सेक्युलर होकर आज ये नौबत आ गई है 132 साल पुरानी पार्टी की कि इतने वर्षों बाद उन्हें गुजरात में इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि 22 वर्ष से कंटिन्यू आप लोग इलेक्शन, आप 22 सालों से गुजरात में आपकी सरकार नहीं है और आप लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि ये केन प्रकारन आपको ये इलेक्शन जीतना है, इसलिए सिर्फ आप जनोई पहन रहे हो, इसमें शर्ट के ऊपर आप जनोई पहनकर अपने आप को शुद्ध हिंदू घोषित करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा कर हम लोगों के सेंटिमेंट्स, हमारे धर्म और उसकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो, आप इंसल्ट कर रहे हो हमारे धर्म की। और आपको मैं एक बात और बता दूं, आपको ये है ना, ये जो आपको बहुत आप हिंदू आदि बन रहे हैं तो हम नहीं भूले, हमें आज भी याद है कि 26/11 के बाद में आपने ये, आप लोगों ने, कांग्रेस लोगों ने ये कहा था कि ISIS से, ISIS से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवादी संगठन है RSS है, ये बात हम नहीं भूले। गौरी लंकेश की मौत के बाद आप लोगों ने मिलकर हिंदू टेरर पूरा घोषित कर दिया, उसकी पूरी हत्याकांड को, इनफैक्ट राम मंदिर के लिए आपके खुद के मंत्री कपिल सिब्बल कोर्ट में राम मंदिर ना बने उसके लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हमारे धर्म की आप लोगों ने इतनी धज्जियां उड़ाई है, लेकिन अब आपको क्योंकि इलेक्शन जीतना है और आप ये जो कहते हो ना कि विकास पागल हो गया है, तो मैं कहती हूँ विकास पागल नहीं हुआ है, 22 साल से कांग्रेस जो सत्ता से दूर है गुजरात से, क्योंकि गुजरात के लोगों ने तो आपको लात बहुत करारी मारी है, और इनफैक्ट अभी जो यूपी के रिजल्ट आया उसमें अमेठी और रायबरेली भी आपको स्वीकार नहीं कर रही है, जहां से आपकी इतने सालों से पुश्ते चुनी जा रही है आपको वहां से भी लात मार के निकाल दिया। ये आप जो विकास के बात कर रहे हो ना, आप अपने अमेठी एरिया को देखो ना, जहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, इनफैक्ट इतने सालों में आप अमेठी को कलेक्टर ऑफिस भी नहीं दे पाए, वो भी योगी जी ने आकर वहां पर कलेक्टर ऑफिस भी बनाया, और आप विकास के मुद्दों पर बात करते हो, आपको इतनी करारी हार मिलेगी। और ये जो आप लोगों के ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन चढ़ गया है ना, क्योंकि इतने सालों से आप गुजरात में नहीं हो, तो ये फ्रस्ट्रेशन आपके है ना दिमाग पर असर कर गया, और इसलिए पूरी की पूरी कांग्रेस पागल हो चुकी है और हर जगह से आप लोगों को इतनी करारी हार मिली है। और मैं आपको अभी भी कह रही हूं कि आपने ये जो गुजरात में जातिवाद की राजनीति करी और अपने आप को हिंदूवादी बहुत पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो और आपकी ये जो सारे वोटों के ध्रुवीकरण आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कोशिश आपकी कभी कामयाब नहीं होगी, और इस बार आपको इतनी करारी हार मिलेगी कि 2019 का चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं रहोगे। वैसे तो आप अभी भी चुनाव लड़ने के लायक नहीं हो, 132 साल पुरानी पार्टी की ये हालत है कि वो लुखे और टपोरियों के साथ गठबंधन कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, पर जीतना तो बहुत दूर की बात है। मैं खुद कहती हूँ आपकी जमानत जब्त ना हो ना, अपनी जमानत बचा लीजिए, वो भी बड़ी बात है। दोस्तों ऐसे ढोंगी हिंदुओं की बातों में बिल्कुल मत आना, इनको करारा तमाचा देना कि 2019 का चुनाव लड़ने का सोचे भी नहीं। जय हिंद।